नमस्कार, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं स्वीट होम अनाथालय में डोनर्स आए हैं। डोनर्स अपने फ्रूट्स डोनेट करने आए थे बच्चों के लिए, तो बच्चों के साथ ही उन्होंने सोचा कि हम बैठकर उनके साथ ही बैठकर फ्रूट चाट बनाएं और बच्चों को भी सिखाएं साथ में। तो ये बच्चे सारे उनके साथ बैठकर मिलकर फ्रूट कटिंग कर रहे हैं, फ्रूट चाट बनाना सीख रहे हैं। तो इसी तरह वो डोनर्स के साथ बैठकर उन्होंने फ्रूट कटिंग करी है। सब बच्चों ने जो जो बच्चे सीखना चाहते थे वो सब बच्चे यहाँ पे बैठे हैं डोनर के साथ, और उनसे सीखा है कि कितने क्वांटिटी में कितने मसाले मिलाने चाहिए, कौन कौन से मसाले यूज़ होते हैं, कितनी क्वांटिटी में नींबू डलेगा, कितनी क्वांटिटी में कितने फ्रूट्स डलेंगे। तो इसी तरह डोनर यहाँ पर आकर स्वीट होम अनाथालय में बच्चों के साथ टाइम भी स्पेंड करते हैं और बच्चों को कुछ नया सीखने को भी मिलता है। तो इसी तरह बच्चे पूरा इनके साथ सहयोग करते हुए उन्होंने फ्रूट चाट बनाई। फ्रूट चाट अच्छे से उन्होंने सीखा कि कैसे बनाई जाती है, कितनी क्वांटिटी में नमक डलेगा, कितनी क्वांटिटी में काली मिर्च डलेगी। तो ये सब चीज़ें बच्चे सीख रहे थे और बहुत उनको इन्जॉय भी कर रहे थे इस इवनिंग को। तो ऐसे आप लोग भी आकर बच्चों के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हैं और अब कुछ नई नई चीज़ें सिखा सकते हैं, जिससे कि बच्चे भी नई नई चीज़ें सीखें और बच्चों को भी बहुत अच्छा लगता है कि आप लोग आए और उनको बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें सिखाई। तो इसी तरह आप भी आकर स्वीट होम में टाइम स्पेंड कर सकते हैं, चीज़ें सिखा सकते हैं। जैसे ये लोग आए, उन्होंने फ्रूट चाट बनाना सिखाया बच्चों को, तो बच्चों को बहुत अच्छा लगा। तो आप लोग भी आ सकते हैं, 10 to 6 के बीच में आप कभी भी आएँ, बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करें, और हो सके तो संडे वाले दिन ज़रूर आएँ, बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करें। आपको भी पता चलेगा कि कैसे बच्चे यहाँ पे क्या क्या एक्टिविटीज़ होती है, क्या क्या एक्टिविटीज़ नहीं होती है। तो ये फ्रूट चाट जैसे कि आप देख रहे हैं बनके तैयार होने वाली है, तो कैसे मिक्सिंग करनी चाहिए, कितनी क्वांटिटी में क्या क्या डालना चाहिए, सब बच्चे सीख रहे थे। तो फिर ये फ्रूट चाट बनके तैयार हो गई है।